Hi. So now let's look at how to take an input of a tree from a user. Okay. So I have already created a class treeUse.cpp, right? In that I have included IOStream and I have included treeNode.cpp. Here is my int main, and here I have my function that is take input level wise, right? And it will return a pointer of the root. ठीक है, तो हम लोग लेवल वाइज इनपुट लेना चाह रहे हैं. सबसे पहले देखते हैं लेवल वाइज इनपुट से हमारा क्या मतलब है. व्हाट आई वांट इज कि इफ समवन वांट्स टू गिव मी दिस ट्री एज एन इनपुट, सबसे पहले ही शुड गिव द इनपुट ऑफ दिस वन. ठीक है, कि सबसे पहले उसने वन का डेटा बताया और फिर वन के चिल्ड्रन का डेटा बताया. उसने बताया कि यार वन के दो चिल्ड्रन है तो, और उसके डेटा है टू एंड थ्री. ठीक है, फिर उसने टू के लिए पूछा, राइट? उसने टू के लिए पूछा कि यार टू के कौन कौन से चिल्ड्रन है, एंड फिर उसने थ्री के लिए पूछा. तो बेसिकली पहले वन के लिए, फिर टू और फिर थ्री के लिए, फिर उसके बाद फोर के लिए, फिर फाइव के लिए, फिर सिक्स के लिए, फिर सेवन के लिए. बेसिकली वो लेवल वाइज पूछ रहा है कि जो टॉप लेवल है उसके लिए पूछ लिया, फिर उसके बिलो लेवल के लिए, फिर उसके बिलो लेवल के लिए, एंड सो ऑन, राइट? इस तरह से वो लेवल वाइज हमसे एक एक एलिमेंट का पूछते जा रहा है, राइट? सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट. नाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, वॉट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ क्यू. हम लोग इसके लिए क्यू यूज कर लेंगे, राइट? तो क्यू यूज करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूज़र से रूट का डेटा पूछ लेंगे और उसका एक नोड बना के इसमें डाल देंगे, राइट? इसमें डाल देंगे, ओके. फिर हम क्या करेंगे, वन को पहले बाहर निकालेंगे, राइट? वन को मैंने बाहर निकाला. अब मैं पूछूंगा कि वन के कितने चिल्ड्रन हैं. वो बोल देगा कि दो चिल्ड्रन हैं. फिर मैं दोनों के एक एक करके डेटा मांग लूंगा. लेट्स से उसने बोल दिया टू एंड थ्री, तो ये जो टू एंड थ्री है इसको मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा. ठीक है, ऑब्वियसली फिर एक और एलिमेंट बाहर निकालेंगे जो कि टू होगा, एंड फिर उसके चिल्ड्रन पूछेंगे तो दैट आर गोइंग टू बी फोर एंड फाइव, राइट? फिर हम लोग फोर और फाइव को भी इसमें डाल देंगे, एंड टू हमारा बाहर ऑलरेडी निकल चुका है, राइट? फिर उसके बाद हम लोग थ्री को बाहर निकालेंगे, थ्री के चिल्ड्रन पूछ लेंगे, दैट इज सिक्स एंड सेवन. फिर हम लोग सिक्स और सेवन को भी इसके अंदर डाल देंगे, राइट? थ्री हमारा निकल चुका है. फिर फोर के लिए पूछ लेंगे, फिर फाइव के लिए पूछ लेंगे, फिर सिक्स के लिए पूछ लेंगे, फिर सेवन के लिए पूछ लेंगे. बेसिकली वो कह रहा है कि अब जब हम लोग क्यू यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हमने वन के लिए पूछा था, फिर उसके अंदर जो टू और थ्री गए थे, फिर टू और थ्री के लिए पूछा गया, फिर फोर फाइव सिक्स सेवन जो गए हैं, फिर फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स सेवन, ऐसे ऐसे करके हम लोग पूछते जा रहे हैं एक एक करके, राइट? सो इस तरह से हमारी पूरी कहानी चलती जा रही है कि हम लोग लेवल वाइज पूछ रहे हैं उससे, और वो हमको लेवल वाइज नंबर ऑफ चिल्ड्रन और उनके डेटा बताते जा रहे हैं, राइट? तो हम लोग एक क्यू यूज़ करने वाले हैं, एंड हमारे ये टेक इनपुट लेवल वाइज में सबसे पहले हम लोग एक क्यू मेंटेन कर लेते हैं, राइट? क्यू में क्या होगा, हमारे ये जो नोड्स हैं उनके पॉइंटर्स रखेंगे उसमें. ठीक है, ट्री नोड इंट स्टार, राइट? एंड पेंडिंग नोड्स, तो मैं नेम दे रहा हूँ अपने क्यू को पेंडिंग नोड्स, राइट? बिकॉज जो मेरा क्यू है उसमें किसी भी पॉइंट पे वो नोड्स होंगे जिनका काम अभी पेंडिंग है, राइट? एक एक करके बाहर निकालते जाएंगे और उनका काम पूरा हम करते जाएंगे, राइट? ओके, सो देर इज एन एरर. ऑब्वियसली क्यू इज अनडिफाइंड बिकॉज हमारा जो वेक्टर है उसको नहीं मिल पा रहा होगा. यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे. सो बेसिकली जो हमारा एक वेक्टर होता है वो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट होता है. ठीक है, तो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नहीं लिखोगे तो उसको नहीं पता चल पाएगा कि वेक्टर है क्या, राइट? सो वो काम हमको करना था. सी आउट एंटर रूट डेटा, तो क्या करेंगे कि यूजर से रूट का डेटा मांग लेंगे, उसका नोड बना के हम लोग अपने पेंडिंग नोड्स में पहले तो डाल देंगे. ठीक है, एंटर रूट डेटा एंड लाइन, यहाँ पे इंट रूट डेटा. ठीक है, सी इन रूट डेटा, तो रूट डेटा के अंदर वैल्यू चली जाएगी, यूजर एंटर कर देगा उसमें. ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना है, उसका एक ट्री नोड क्रिएट करना है. ट्री नोड इंट स्टार रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड इंट यूजिंग रूट डेटा. चलो, और फिर मुझे ये पॉइंटर पेंडिंग नोड्स में डाल देना है. पेंडिंग नोड्स डॉट पुश रूट, राइट? तो रूट पुश हो चुका है. तो हमको एक लूप चलाना है जब तक कि हमारा जो पेंडिंग नोड्स क्यू है वो खाली नहीं हो जाता. ठीक है, सो व्हाइल पेंडिंग नोड्स डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो जो क्यू है उसका हमने साइज यूज कर लिया,
राइट, फिर मुझे एक बाहर निकालना है ट्री नोड इंट स्टार, उसको मैं करंट नोड बोल रहा हूँ, करंट नोड इज इक्वल टू पेंडिंग नोड्स डॉट फ्रंट, राइट, एंड मुझे पेंडिंग नोड्स डॉट पॉप कर देना है, पेंडिंग नोड्स डॉट पॉप, ओके पेंडिंग नोड्स, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो करंट नोड है, जो अभी अभी हमने नोड बाहर निकाला है क्यू में से, उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछने हैं। लेट से उसने बोल दिया कि उसके चार चिल्ड्रन हैं, अब मैं चारों का एक एक करके डेटा मांगूंगा, उनको पेंडिंग नोड्स के अंदर पीछे पुश कर दूंगा, राइट, एंड जो मेरा करंट नोड है उसके चिल्ड्रन में मैं वो चारों के चारों डाल दूंगा। दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, राइट। सो सी आउट एंटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ करंट नोड का डेटा एंड लाइन, राइट। तो करंट नोड के हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे, लेट से उसको n में स्टोर करवा लेते हैं यूजर से, सी इन n, राइट, ओके। अब मुझे लूप चलाना है n टाइम्स, अगर चार एलिमेंट्स है तो मुझे चार बार लूप चलाना होगा, राइट। सो फॉर i इज इक्वल टू जीरो, i लेस देन n, i प्लस प्लस इंट करंट चाइल्ड डेटा, अब करंट चाइल्ड डेटा हम लोग यूजर से मांगेंगे, राइट, और इसमें स्टोर करके रख लेंगे। सो सी आउट एंटर आईथ चाइल्ड डेटा ऑफ, चाइल्ड डेटा ऑफ, थोड़ा सा यहां से कॉपी कर लेते हैं, नाउ सी इन, जो भी वो एंटर करेगा उसको करंट चाइल्ड डेटा में स्टोर कर लेंगे। देन वी हैव टू मेक अ नोड आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो जो भी हमें डेटा मिलेगा उसका एक नोड क्रिएट कर लेंगे, लेट्स टेक दिस फ्रॉम हेयर, राइट, ट्री नोड बनेगा, लेट्स से चाइल्ड नोड उसका नाम दे देते हैं, एंड इसके लिए मुझे करंट चाइल्ड डेटा यूज़ करना है, राइट। सो हमारा ये नोड क्रिएट हो गया, अब इसका क्या करना है, इसको हमको क्यू में भी डाल देना है और जो करंट वाला है उसके चिल्ड्रन में भी डाल देना है, राइट। सो करंट नोड चिल्ड्रन डॉट पुश बैक, राइट, तो हमारे पास पुश बैक नाम का फंक्शन होता है जो कि एक वेक्टर में एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं, ओके, चाइल्ड नोड, ओके। तो हमने चाइल्ड नोड को करंट नोड के चिल्ड्रन में डाल दिया, एंड ऑल्सो हमको वो क्यू में डाल देना है, राइट, पेंडिंग नोड्स डॉट पुश चाइल्ड नोड, ओके, एंड फाइनली मुझे मेरा रूट रिटर्न कर देना है, राइट। सो इतना करने से हमारा इनपुट लिया जा चुका है, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग इसका एक प्रिंट फंक्शन लिख लेंगे और फिर हम लोग इनपुट लेके और प्रिंट करके उसको चेक करेंगे। थैंक यू।